पिछले दिनों योगी जी ने और अभी कल प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान झारखंड में बड़ी खतरनाक बात कही। असम के मुख्यमंत्री भी बाकी खतरनाक बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां हुकूमत में आ गईं या फिर से आ गईं तो आपकी मिट्टी उठा लेंगे, आपकी बेटियों को उठा लेंगे, ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि लोग लड़कियों को उठा लेंगे। इतनी जहरीली बात है, इससे घटिया बात और इससे जहर बड़ा हो नहीं सकता। ये जानते हुए कि इस देश में नफरत एक लेवल हासिल कर चुकी है, लोग लिंच करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, ऐसे माहौल में आप आग में घी की टंकियां डाल रहे हैं, इस तरीके की बात है। ये गद्दार से गद्दार देशद्रोही आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों के खून पसीने पर वो गद्दी पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए का हवाई जहाज में सफर करते हैं, और इतनी आजादी उनको बोलने की मिल गई के लोगों के अंदर का जो शैतान है उसको भी कितना भयंकर शक्ल में खड़ा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार है मुल्क के साथ। ये माइनॉरिटीज के लिए नहीं, ये जिन लोगों को मेजोरिटी में तो हिंदू है यहाँ पे, उनके दिमाग को खराब कर रहे हैं, जिनका शोषण भी करते हैं। ये अकेले मुसलमानों का शोषण नहीं करती हमारी हुकूमत या हमारे व्यापारी या हमारा संपन्न वर्ग, शोषण सबका करता है, हिंदुओं का भी, लड़कियों का भी, आदमियों का, सबका शोषण हो रहा है इस मुल्क में। 90% आदमी शोषण का शिकार है, उसमें आप ये जहर भर के शोषण पर पर्दा डालते हो और आदमी का मर्तबा जानवर से बदतर बनाते हो, ये बहुत बड़ा कलंक है। और ये बात तो एक और नारा निकाला हमारे योगी जी ने और उनके तमाम साथियों ने कि भाई बटोगे तो कटोगे, कितनी घृणित बात है, बांटते खुद हैं ये। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे या जात के नाम पर समाज को बांटा गया, जात के नाम पे तो 3000 साल से बांटा गया। किसने बांटा? हिंदुस्तान के इलीट ने बांटा, संपन्न वर्ग ने बांटा, हुकूमत करने वाले तबके ने बांटा, वही बांटता है। और आज ये नारा ये लगा रहे हैं कि गरीब से कह रहे हैं कि तुम्हें गरीब से खतरा है, अगर तुमने उससे नफरत नहीं की और नफरत के आधार पर तुम एकजुट नहीं हुए, और एकजुटता के मैं छुपा हुआ है कि आप उसको ह्यूमिलिएट करो, जलील करो, लिंच करो, उसको दबा के रखो, वरना आपको काट डालेंगे। ये आज तक धरती पर कहीं भी किसी गरीब ने किसी गरीब को नहीं काटा, आज तक पूरी धरती का इतिहास देख लो। इलीट क्लास का षड्यंत्र होता है कि कुछ गुंडों को खड़ा करके, फौजों को खड़ा करके गरीबों को कटवाता है। मैं चाहता हूं कि हम लोग संभल जाएं, ऐसी हुकूमत को हम सबक सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।